Hello students, welcome back to IIT Bandhan. So I am Shikha, we will be continuing with our chapter that is Animal Kingdom. ठीक है, अभी हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक, बहुत सारे फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी विल बी गेटिंग इनटू कि वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है, इन माय प्रीवियस वीडियो, सॉरी अभी बताया था, ठीक है. सो नाउ यहाँ पे हम अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे अबाउट कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है. दीज आर बेसिकली द कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है. सो अगेन द सेम थिंग गोज ओवर हियर, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट कैन बी इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसीलिए इसको ये बोलते हैं इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कमिंग ऑन टू दिस थिंग, यहाँ पे इनके जो जॉज होते हैं दीज आर एक्चुअली पावरफुल जॉज, ठीक है. पावरफुल जॉज क्यों होते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो ये मोस्टली स्कैवेंजर्स होते हैं और इधर दे आर द कार्निवोर्स, ठीक है. सो मोस्टली स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स, ठीक है. इसके देखा पावरफुल जॉब प्रे को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट हमें ऑन टू ये मेराइन होते हैं. टॉकिंग अबाउट द बॉडी टाइप, ऑब्वियसली अगर फिशेस में आ रही नहीं है तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है. अब नेक्स्ट कैन बी, यहाँ पे अगर बात करो तो ये जो इनकी टेल होती है दिस ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन. तो यहाँ टेल प्रेजेंट विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है. स्ट्रीमलाइन बॉडी और टेल के साथ दे मूव, एक्चुअली क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट का मैं कॉल टू दीज आर एक्चुअली द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन हैव अबाउट द लोटोकॉर्ड, तो यहाँ पे लोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है. सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, क्लियर है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फिन्स, तो यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फिन्स आर प्रेजेंट, और ऐसा नहीं है कि हर फिश में फिन प्रेजेंट है, टोटली डिपेंड्स ही किस टाइप की फिश है क्या है, ओके. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अबाउट द स्किन, ठीक है. तो स्किन एक्चुअली कवर्ड होती है विद पॉइंटेड डेंटिकल्स, ठीक है. सो स्किन इज कवर्ड विद pointed denticles, ठीक है. ओवर हियर इट इज इम्पोर्टेंट, क्लियर है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू यहाँ पे जो कुछ होते हैं दीज आर एक्चुअली द दीज एक्चुअली हैव पॉइजनस स्टिंग,
ठीक है, जैसे आप कह लो स्टिंग रे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सम कैन हैव पॉइजनस स्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल कैन बी डॉग फिश, बाकी एग्जाम्पल आप सर्च करके आएंगे, क्लियर है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीकैप कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्ट्रैक्टीज में कार्टिलेजिनस फिशेस बोली जाती है बेसिकली ये, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनल स्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नाउ कमिंग ऑन जो पावरफुल जॉज होते हैं, क्योंकि मोस्टली दीज आर स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स, नराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, टेल प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, सो दीज शुड हेल्प इन द लोकोमोशन पार्ट। कमिंग ऑन जो होल्डेड एनिमल्स होते हैं, लूडोकॉर्ड की बात करें तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, इट्स नॉट अबाउट लार्वल स्टेज में या फिर बड़े होकर इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिन्स आर प्रेजेंट, देन स्किन इज कवर्ड विद पॉइंटेड डेंटिकल्स, ठीक है, ये इसकी स्पेशलाइजेशन है। सम कैन हैव पॉइजनस स्टिंग एज वेल, एग्जाम्पल कैन बी डॉग फिश, होपफुली दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, अगर ये एनिमल्स है, क्योंकि एनिमल किंगडम में आ रहा है, आपको पता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स विच वी नीड टू स्टडी, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, कमिंग ऑन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, आई एम राइटिंग नोट हियर, talking about the organ systems. So पहला कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज बेसिकली क्या है ये, कंप्लीट, ठीक है, अभी तक आप कंप्लीट ही पढ़ते आ रहे हो। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सब कुछ है, स्टमक वगैरह, आपका ईसोफेगस एंड ऑल एवरीथिंग, आपका नहीं पुशेस का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं बात करूँ बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट है, बेसिकली 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, 2-5 to 7 लेयर पेयर, ठीक है, ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट और कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली टू चेंबर, ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और टू चेंबर पार्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनीज, ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द फोर्थ दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, क्लियर है।
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो क्या है, फिफ्थ वन, ठीक है, नर्वस सिस्टम. ठीक, नर्वस सिस्टम में अगर याद हो तो हम पहले बातें कर रहे थे अबाउट द हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दैट हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट विद ब्रेन टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड. ओके, सो हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट विद ब्रेन टुवर्ड्स द इंटीरियर. क्लियर है? सो नर्वस सिस्टम यही तो ये हो गया. दूसरी चीज क्या है, रैपिड ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे नर्वस पल्स का. ठीक है, तो रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस पल्स. ठीक है, क्लियर है? होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे सेक्स इज आर सेपरेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्स इज आर सेपरेट, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. क्लियर है? और दीज कैन बी ओविपेरस जो कि एग लेइंग होते हैं, या फिर दीज कैन बी विविपेरस विच गिव बर्थ टू द यंग बच. ओके, होपफुली इट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दोज आर एक्चुअली ओके. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, ठीक है, कॉन्डक्ट फीज हो गया. उसके बाद आते हैं किस पे, अगेन क्या था, इट वॉज ऑस्ट्रिक फीज. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस हियर. इनाम थोड़े से अजीब है बोलने की कोशिश करना, बट फोकस ऑन द स्पेलिंग्स एज वेल. ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए जहां पर भी आप लिख रहे. ठीक है, ओके. नाउ अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बोथ ही क्या, कार्टिलेजिनस फिशेस, दीज आर योर बोनी फिशेस. ठीक है, तो बोनी फिशेस. नेक्स्ट कैन बी व्हाट, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किसका बना हुआ है, बोन्स का. तो इज मेड अप ऑफ व्हाट, बोन्स. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कह लो या तो स्केलेटन विल बी अ बेटर थिंग. ठीक है, इजी हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू, अगर बात करें यहाँ पे पावरफुल एंड मूवेबल जॉज प्रेजेंट है, पावरफुल एंड मूवेबल जॉज. ठीक है, नेक्स्ट कैन बी व्हाट,
मरीन या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं ये, ठीक है, मरीन और फ्रेश वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भी स्ट्रिंगलाइन बॉडी होगी इसकी, स्ट्रिंगलाइन बॉडी, ओके। नेक्स्ट व्हाट एल्स कैन बी, ये भी अगेन मोस्टली क्या है, स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स, ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दीज आर अगेन द कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, क्लियर। व्हाट एल्स अबाउट द नोटोकॉर्डा, अगर हम बात करें तो इसमें भी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, प्रेजेंट ठीक है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अगर हम बात करें अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे जो व्हाट यू कैन से स्विम ब्लैडर बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है विच हेल्प इन रिटेनिंग द बॉयल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी स्किन कवरिंग, ठीक है, तो स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड, ठीक है, या फिर चिनॉइड स्केल्स, features of this. Now coming on to the example, so I'm giving you only one example, that is pretty interesting. Seahorse, okay, so baki example aapko dhoondh lenge. Next coming on to the systems which are present, coming on to the ऑर्गन सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एज यूजुअल क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बात करें अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, सो ये क्या है, कंप्लीट, ओके। तो यहाँ पे ये सिर्फ सी हॉर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये सबका ही है, ठीक है। तो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट ओवर हियर। कमिंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे फोर पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट होते हैं विच आर अगेन कवर्ड बाय एन ऑक्युलम,
on each side. ठीक है, so coming on to the respiratory system, writing out here. Respiratory system. ठीक, so respiratory system में क्या था? This thing. Four pair of gills are present. ये फर्स्ट है, सेकेंड फोर पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट विद अपर क्यूबम ऑन ईच साइड. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द respiratory system. Coming on to the next thing, that can be circulatory system. So circulatory system mein kya hoga? Close ya open? The third. Kuch characteristics yaad ho. So this is basically kya hai? Closed circulatory system hoga. Two chambered heart hoga. ठीक है, क्लियर है इतना? सो नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगेन क्या क्या प्रेजेंट है? एक पेयर ऑफ किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अ पेयर ऑफ किडनी. ओके, then coming on to 1, 2, 3, 4, fifth can be the nervous system. Nervous system की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन hollow dorsal nerve cord present है, brain भी present है, ठीक है, but with small olfactory lobes, ठीक, और cerebrum and large optic lobes are also present in this case. So I am writing out here. एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, दिस इज ऑस्टिक थीज. ठीक है, ये होती है बेसिकली द बोनी फिशेस, क्योंकि इसमें इंटरनल स्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स. पावरफुल एंड मूवेबल जॉज होते हैं जस्ट बिकॉज दे आर स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स. ठीक है, देन मेराइन या फिर फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये. स्ट्रिंगलाइन बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड है, नोटो कॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ पे इसकी खासियत है, विच हेल्प्स इन रिटेनिंग द बॉयंसी. फिन्स प्रेजेंट है, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स. ठीक है, एग्जाम्पल इज सी हॉर्स. ऑर्गन सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास स्पेशल फीचर क्या है? चार पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, जो कि किसमें हेल्प कर रहे हैं? और अच्छा, दूसरी चीज में क्या है? ऑपरक्यूलम भी है और ऑपरक्यूलम ईच साइड पे है. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में दो हार्ट प्रेजेंट है, टू चेंबर्ड हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, टू चेंबर्ड हार्ट प्रेजेंट है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे हैव अ पेयर ऑफ किडनी. एंड कमिंग ऑन टू द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा सा और सुप्रा लोबियल है और मतलब एडवांसमेंट हो गया है. यहाँ पे क्या हुआ? एक हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड वो तो प्रेजेंट है ही. ठीक है, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. क्लियर? दूसरा क्या होगा? यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, brain present with small what? olfactory lobes. ठीक है, और क्या present है इसमें? They have cerebrum. ठीक है, cerebrum.
एंड यहाँ पे लार्ज ऑप्टिक लोब भी प्रेजेंट है. लार्ज ऑप्टिक लोब, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम. इन कॉलोडॉस नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और ब्रेन प्रेजेंट है विद स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड लार्ज ऑप्टिक लोब. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन में क्या है, अगेन सेम थिंग. क्या सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है. तो यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट. अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, सो दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट अबाउट ओवी पेरिस है या डीवी पेरिस, तो यहाँ पे क्या है, ये ओवी पेरिस, दे ले एग. ठीक है, सो ओवर हियर वी कंप्लीट द ऑस्टिक पीस. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेट्रापोडा. ओके, सो अब टेट्रापोडा में अगर हम बात करें तो क्या चीजें इन्वॉल्व थी, समथिंग अबाउट द रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, एव्स वगैरह. सो यू विल स्टडी हियर. सो दैट वाज एक्चुअली द सब क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा. ठीक है, तो दिस इज टेट्रापोडा. ठीक है, इसका सब क्लासिफिकेशन जो हुआ है, सब क्लासिफिकेशन किसमें हुआ इसका, इनटू फोर. कौन कौन से, एम्फीबियन, राइटिंग दिस वे, एप्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ लेते हैं कि ये टेट्रापोडा एक्चुअली होते हैं. तो यहाँ पे अगर बात करो, इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं दैट इंडिकेट कि ये फिन फिशेस थी. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू दिस टेट्रापोडा कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द फॉसिल्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स इंडिकेट टू बी फिन फिशेस. ठीक है, ऐसा फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है. Were ancestors of this? Indicating fishes were ancestors of. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं बेसिकली दे बियर लिम्स. ठीक है, सो दीज बियर लिम्स द टेट्रापोडा. नेक्स्ट यहाँ पे एनिमल्स विद फोर फीट लेग या फिर लेग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. एनिमल्स विद फोर फीट लेग या फिर लेग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. ठीक है, टेट्रापोडा, टेट्रावाइडल नेम इटसेल्फ. ठीक है, फोर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, यहाँ पे ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग आउट हियर मोस्टली
terrestrial. ठीक है. सो ये सारी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेट्रापोडा की है, और टेट्रापोडा का सब क्लासिफिकेशन है इनटू एप्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग दैट इज द एप्स, सॉरी द एम्फीबियन वी कैन टेक. ओके सो होपफुली इट इज क्लियर. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस. एम्फीबियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दीज विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर नाउ. ओके सो एम्फीबियन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली ये दोनों जगह रह सकते हैं. कौन कौन सी वाला? कैन लिव ऑन बोथ प्लांट एंड वॉटर. ठीक है, तो ये तो इनकी खासियत है एम्फीबियंस. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, यहाँ पे टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट हो गए हैं इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट. क्लियर. नेक्स्ट वॉट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो इट कैन बी बाय मूवमेंट, बाय जंपिंग और हॉपिंग. ठीक है, हॉपिंग समझते हो, कूद कूद के जाओ, जंपिंग का दूसरा पार्ट. क्लियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है कुछ में. सो इन सम, और यू कैन राइट टेल इज प्रेजेंट इन सम. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अबाउट द स्केल्स. तो यहाँ पे स्केल्स एब्सेंट होते हैं ऑन द स्किन. स्केल्स आर absent on the skin. ठीक है, so scales are absent on the skin, but instead यहाँ पे क्या है, mucus gland present होता है. ठीक है, अभी जो मैं example बताऊंगी आपको कुछ याद आ जाएगा. instead mucus gland is present. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ये अगर बात करें हम रेस्पिरेशन की, सो दे कैन रेस्पायर बोथ वेज. गिल्स से भी और लंग्स से भी. ठीक है, सो समटाइम्स दे हैव, सम कैन हैव गिल्स एंड सम कैन हैव लंग्स. Now coming on to the next characteristic, that is अगर heart के बारे में बात करें तो basically क्या है, three chambered heart होता है. ठीक है, so these have three chambered heart. Okay, now example I am giving you is what? अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक और बता देती हूँ. These are actually oviparous. ठीक है, एग्जाम्पल बता देते हैं ना. सलामांडर. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एम्फीबियंस दोनों जगह रह सकते हैं. ठीक, सो क्या है, एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर. दो पेयर ऑफ लिम्ब अवेलेबल होते हैं इनके पास. मूवमेंट कैन बी बाय जंपिंग और हॉपिंग.
टेक प्रेजेंट होती है कुछ में, स्केल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, बट इंस्टेड दे हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट. रेस्पिरेशन विल बी थ्रू गिल्स और लंग्स. थ्री चेंबर हार्ट होता है और दीज आर द ओविपेरस. ओके सो दे एक्चुअली ले एग. नाउ कमिंग ऑन टू द सिस्टम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस. सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट सिस्टम ऑर्गन सिस्टम. ठीक है सो ऑर्गन सिस्टम में अगर हम पहले बात करते हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है यहाँ पे? इट इज कंप्लीट. ओके सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है. कमिंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अभी हमने बात करी गिल्स या फिर लंग्स से. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स या फिर लंग्स. फिर देन द थर्ड कैन बी सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड थ्री चेंबर्ड हार्ट है और सर्कुलेशन डबल होगा. ठीक है तो थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? पहली बात तो क्लोज है. ठीक है थ्री चेंबर्ड हार्ट है ठीक और डबल सर्कुलेशन. ठीक है होपफुली इट इज क्लियर. सो कमिंग ऑन टू एम्फीबियंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स और लंग्स प्रेजेंट है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज थ्री चेंबर्ड हार्ट है और डबल सर्कुलेशन है. नेक्स्ट सिस्टम्स पे आ जाते हैं. ओके सो नेक्स्ट सिस्टम भी क्या है? अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है ये याद रखना इसके बाद कौन सा बड़ी है. ठीक है दिस वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन कौन से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली आईज में जो होती है वो आईलेट्स प्रेजेंट होती है. ठीक है सो आईज हैव आईलेट्स. ठीक है नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एक टिम्पैनम प्रेजेंट होता है विच रिप्रेजेंट्स द एयर. ठीक है सो टिम्पैनम इज प्रेजेंट विच रिप्रेजेंट्स एयर. ठीक है नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है उसके पास, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है. ठीक है विच ओपन्स इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोका. ठीक है विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर. सो यहाँ पे समथिंग डिफरेंट दे हैव इनटू एक्सक्रीटरी सिस्टम. कौन कौन सी ज्वाइंट है कैनाल्स? एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है और अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सॉरी
alimentary canal, the this thing, urinary tract. Okay, urinary tract and also reproductive tract. ठीक है, so यहाँ पे ये जो tracts हैं, which open into a common chamber. Clear है यहाँ तक? Hopefully यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Now coming on to the next part about the reproduction. ठीक है, तो इसमें reproduction कैसा होगा? कहानी remains the same. वही sexes are separate, ये वो. ठीक है, so यहाँ पे क्या है, क्या sexes are separate, ये basically oviparous होते हैं और यहाँ पे external fertilization होता है और it can be direct or indirect development. ठीक है, so I'm talking about the reproduction. Sexes are separate. ठीक है, these are oviparous. ठीक है, और direct और indirect fertilization, sorry, development. Development. ठीक है, and talking about the fertilization, so that is external fertilization. ठीक है, क्लियर है ना? सो ओवर हियर वी कंप्लीट अबाउट द एम्फीबियंस. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एसोपिया. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पूरा चैप्टर, अगर आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करो, तो ये सारे आपको समझ में आने की वजह याद होने चाहिए बाय हार्ट. यू कैन मेक एनी ऑफ द नोट्स ऑफ दिस और या फिर कोई फ्लो चार्ट बना के और जिस भी तरीके से तुम याद कर सकते हो, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें हैं याद आपको खुद ही करना है, वो कोई याद नहीं करा सकते. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू ताकि कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द चैट. ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस. सो कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम. सो हम बात करते हैं आज अबाउट द रेप्टाइल्स. ठीक है, सेम गोज हियर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से बात शुरू करते हैं. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स से में क्या क्या अवेलेबल है इसमें. रेप्टाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे मोस्टली लिव ऑन लैंड. मोस्टली लिव ऑन लैंड. ठीक है, मोस्टली की बात करिए. ठीक, ना अगर बात करें स्केल्स की, तो यहाँ पे स्केल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट अबाउट द रेस्पिरेशन, तो उसमें रेस्पिरेशन कैसे होगी, इट विल बी थ्रू लंग्स. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं अगर हुए भी तो. ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्स इफ प्रेजेंट, अगर हैं भी तो सर दो ही पेयर ऑफ लिम्ब होंगे, इससे ज्यादा नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है अबाउट द मूवमेंट, तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं. मूवमेंट हाउ, क्रॉलिंग. ठीक है, सो
this is this. Now coming on to the next thing, next point can be about the cold-blooded or thing, a warm-blooded. These are cold-blooded. ठीक है. Talking about the heart, तो यहाँ पे three-chambered heart है. ठीक है. थ्री चेम्बर हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल सर. ठीक. तो कमिंग ऑन टू एक्सेप्शन, ठीक, कौन है? क्रोकोडाइल. अब यहाँ क्रोकोडाइल एक्सेप्शन क्यों है? इसका फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन ऑफ द रेप्टाइल. नाउ कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, तो दीज एक्चुअली ले एग. और इधर यू कैन राइट ओविपेरस. ठीक है, क्लियर. So, the example can be, I am giving you one example, body composition, that is snake. ठीक है, अब बाकी example आप जुड़ कर लाइए. Clear? So, these were actually the characteristics of reptiles. Now, coming on to the organ system. The organ system is में कौन कौन से present होते हैं? ठीक है. So coming on to the very first thing, that is organ system में पहला कौन सा है? Talking about the digestive system. ठीक है, तो digestive system क्या होगा? अभी तक क्या पढ़ते आए हम? Complete digestive system है, तो obviously इसमें भी complete digestive tract present है. We can go with complete. Clear? Okay. Next system, it can be respiratory system. तो हमने पहले क्या दिया कि ये lungs से breathe करते हैं. So respiratory system. लंग्स या फिर स्किन. ठीक है, क्लियर. दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ऑब्वियसली ये है क्लोज्ड. हमने देखा कि फोर चेंबर हार्ट पर थ्री चेंबर हार्ट, जनरली सारे थ्री चेंबर हार्ट ही है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्रोकोडाइल है. ठीक है, विच इज हैव ए फोर चेंबर हार्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीशन में क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट? द सेंसरी ऑर्गन. तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज के पास एक्चुअली आईलिड है. अगेन टिम्पैनम प्रेजेंट है. ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? ईयर. सो सेंसरी ऑर्गन आई
panel which represents the ear. Clear? Okay. So hopefully it is clear to this. I have eyes. अगर याद हो तो पिछले वाले में कुछ ऐसे ही था. ओके, होपफुली इट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन. सेम गोज हियर. सेक्स इज सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट, ओविपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट है और फर्टिलाइजेशन तो लिखी नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सो अब मैं एक रिकैप फॉर दिस, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप्टाइल्स. यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये मोस्टली रहते हैं किस पे? ऑन लैंड. स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स, जनरली इज थ्रू लंग्स. देन टू पेयर ऑफ लिम्स, इट्स लिम्स, लिम्स प्रेजेंट. अब ये क्या होते हैं, अगर प्रेजेंट है तो दो ही पेयर होते हैं. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मूवमेंट, इट्स बाय क्रॉलिंग. कोल्ड ब्लडेड होते हैं, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन इज मिस्टर क्रोकोडाइल. ठीक है, यहाँ पे फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है. नेक्स्ट इज दीज आर ओविपेरस और एग्जाम्पल इज स्नेक. नाउ कमिंग ऑन टू द ऑर्गन सिस्टम्स. तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कम्प्लीट. रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और स्किन. कमिंग ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट ब्लड वेसल्स सब प्रेजेंट है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट. Sensory organ, I have eyelids, tympanum which represents the ear. Reproduction की बात कर रहे हैं तो sexes यहाँ पे separate हैं और oviparous हैं ये, direct development है और internal fertilization है. Hopefully it is clear. Okay, again the thing is you have to learn this point. मैंने ऐसे कोशिश किया ताकि easy लगे आपको. ठीक है, so next coming on to the next thing, that is about the apes. ठीक है, apes क्या होती है basically, the birds. so coming on to this about the apes, ठीक है, this actually includes what? All birds. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक से. सो स्केल एब्सेंट होते हैं. ठीक है, स्केल्स आर एब्सेंट. और अगर स्किन की बात करें, स्किन इज ड्राई. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी, बोनी एंडोस्केलेटन. ठीक है, देन रेस्पिरेशन की बात करें तो इट विल बी थ्रू लंग्स. रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अबाउट द मूवमेंट,
तो क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं और मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट, दीज आर देयर फेदर्स एंड मॉडिफाइड फोर लिम्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वॉर्म ब्लडेड होते हैं ये, ठीक है। दीज आर वॉर्म ब्लडेड, ठीक। नेक्स्ट कैन बी हार्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हार्ट प्रेजेंट है, बेसिकली द फोर चेंबर हार्ट, ठीक है। हार्ट इज फोर चेंबर, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर एक्चुअली ओविपेरस, दे ले एग, ठीक है। देन व्हाट एल्स, अगर बात करें दिस थिंग तो यहाँ पे, चलो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको, कमिंग इन टू द रिप्रोडक्शन पार्ट। अगेन यहाँ पे क्या स्टोरी है, सेक्स इज सेपरेट। अब देखो ये चीजें ना कॉमन सी ही है सब में। अब ओविपेरस एनिमल किंगडम सब भी तुम्हें थोड़ा सा शायद इजी लगे, ठीक है। प्लांट किंगडम ओके, सो सेक्सेस आर सेपरेट, ओविपेरस है। और कमिंग ऑन टू द फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। सेम चीज गोज हियर, इनडायरेक्ट फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट और एक्सटर्नल। अबाउट द फर्टिलाइजेशन दैट इज ठीक है। एक मिनट, हाँ ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओके। सो होपफुली दिस इज क्लियर, सो लेट्स रिवाइज इट। एव्स सारी बर्ड्स इंक्लूड करते हैं, बेसिकली स्केल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, स्किन इज ड्राई, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, मूवमेंट फेदर्स एंड मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं, वर्म ब्लडेड है ये, हार्ट फोर चेंबर्ड है, ओविपेरस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ओविपेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बाकी का इज ओके। सो होपफुली दिस इज क्लियर। Now coming on to the next part, that is about mammals, the very 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 important part, okay, and this is the last part of our this chapter, okay, so hopefully it is clear till this, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, okay। So coming on to the next part, that is the mammals. ठीक है, सो अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यहां पे क्या होगी,
एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बींग को ही ले लो, ठीक है, ह्यूमन हो गए, कैट डॉग वगैरह एनिमल, इस तरह के एनिमल्स हो गए, ठीक है. सो कीपिंग इन माइंड दिस वी कैन स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पे अगर बात करें तो स्केल्स होते हैं सब लोग में, स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है, क्लियर है, स्केल तो एब्सेंट हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू यहाँ पे प्रेजेंट क्या क्या है, हेयर, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन. तो यहाँ पे हेयर, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो देयर इज पैर टू लंग्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, थ्रू लंग्स. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अगर हार्ट की बात करें तो दीज हैव कितने होते हैं, फोर चेंबर्ड हार्ट, इफ यू रिमेम्बर कुछ क्लास टेंथ का. अगेन बात करें तो ये वॉर्म ब्लडेड है, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे मोस्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस. तो दीज आर मोस्टली व्हाट, बीबी बेयर्स and exception can be ovibears, ठीक है. Next coming on to यहाँ पे जो important part है that is mammary glands for milk production to feed the young ones are present. Mammary glands for milk production to feed the young ones are present. Clear? So this is it. Now coming on to the reproduction again. क्या होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, और यहाँ पे पॉइंट जो चेंज होगा दैट इज मोस्टली बीबी बेयर्स, बेयर्स एक्सेप्शन दैट इज कौन सा, प्लैटिपस, ये ओवी बेयर्स होता है. ठीक है, सो दिस इज दिस. नाउ अगेन अ रीकैप, मैमल्स स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इंस्टेड इन पे हेयर, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्किन के ऊपर. रेस्पिरेशन की बात करें तो दैट इज थ्रू लंग्स, हार्ट इज फोर चेंबर्ड, वॉर्म ब्लडेड है, मोस्टली बीबी बेयर्स है, और एक्सेप्शन क्या है, ओवी बेयर्स भी हो सकते हैं. मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे फॉर ब्लड मिल्क प्रोडक्शन to feed the young ones, ठीक है, clear है. Reproduction की बात करें तो यहाँ पे sexes again these are separate, mostly viviparous हैं, और अगर exception की बात करें तो that is platypus जो कि oviparous है, which means egg. Direct development है और internal fertilization है, ठीक है. So now we are completing this chapter here, it is over. You just need to learn all those point. Make any sort of table or whatever feels good for you, ठीक है, और इसको complete कर लेना, ठीक है. Thank you so much class and take care, bye.